Assalamualaikum everyone, Raja Saad is back. और आज हम कंदील बावाज को फिर से किसी और से मिलवाने लगे. पिछले एपिसोड में तो आपने देखा था कि इमरान खान ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और बहुत दुख हुआ बेचारी को. बट उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने फिर मुझे कॉन्टैक्ट किया और उसने कहा कि मुझे किसी और से मिलवाओ. तो आज मैं स्पेशली कंदील बावाज को किसी स्पेशल गेस्ट से मिलवाने लगा. वो ऐसा इंसान है कि उसने दुनिया को तबाही में चला गया रखी दुनिया. Ladies and gentlemen, presenting to you Imran Hashmi. Thank you. Well, it's a very different introduction diya aapne. Hello and assalamu alaikum. To Kandil, dekho Imran ko kaisa laga tumhe? Badi dhadkan ho tum to yaar. Meri Kandil nazar se dekhi. Tumse zyada dhadki hai Imran. Kandil, kuch kehna hai tumne? Kin se? यहाँ आपकी जो एक इधर चाचू बैठे हैं, अबे इमरान हाशमी से. इमरान यार, I miss you यार. Miss you? Seriously? अबे डायलॉग सही बोल, सामने बैठे हुए मिस नहीं करते होते. आपको डायलॉग बोलना है? यार, I really love you and I really want to marry you. अबे यार कितनी ठरकन हो. अभी कल तुम यही डायलॉग इमरान खान को बोल रही थी, आज ये डायलॉग तुम इमरान हाशमी को बोल रही हो. यार इमरान, तुमने भी कभी ऐसी हरकतें की? No, I didn't do all that. इमरान, I want to marry with you. Will you marry me? मैं कहता हूँ कि मूड होके आया हूँ, रेडी हूँ मैं. क्या? तुम इससे शादी के लिए तैयार हो? सीरियसली? रह लोगे इसके साथ तो? लेकिन मेरा चार महीने से ज़्यादा मेरा I start getting fed up. नहीं मतलब चार महीने भी कंदील के साथ रहना कोई आम इंसान के बस की बात तो है नहीं. रह लोगे तुम? और कंदील, तुम्हारे लिए काफी है चार महीने इमरान हाशमी के साथ. खैर अभी तो बहुत सारा टाइम है. चलो जी, मुबारक हो व्यूअर्स. आज हमने देखा कि फाइनली कंदील के लिए किसी ने हाँ कर दी. इमरान ने चार महीने के लिए कंदील से शादी के लिए राजी हो गए. कंदील कैसा फील कर रही हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा. इसी खुशी में बस का जब बेहया औरत कभी कोई मौका ना छोड़ती. अच्छा कंदील, वैसे बेहया इसमें ख्याल है, अब तुमने देखा है ना मैंने तुम्हारी पिछली वीडियो शेयर की थी बड़ी, इसमें मुझे हिट्स वगैरह मिले थे बड़ा. मुझे वो देखा है कितना फेमस हो गई हो, तो मैं क्या कहोगी तुम इस बारे में, मैं तो बड़ा हिट हूँ. तुम बहुत गिर चुके हो दुनिया की नजरों में, बहुत ज्यादा गिर चुके हो. अब मजीद अपने आप को गिराना बंद करो. वेल I don't care. जिसको जो करना करे, मैं तो जो करूंगा, मुझे जो दिल करेगा मैं करूंगा. जिसको मुझे गालियां देनी है, इसको जो करना करे. क्यों मान, तुम इस बारे में क्या कहोगे? लाइक क्रिटिसिज्म इतना होता है तो कैसे बर्दाश्त करूंगा इसको? सबसे बड़ा कोई सुपरस्टार भी हो तो एक सेक्शन है पॉपुलेशन का जो दे आर बिट दे डोंट रियली एक्सेप्ट, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स दैट पर्सन. लेकिन वो आई थिंक ग्लैमर वर्ल्ड का यही एक चीज है, अगर आप इसके साथ इसको झेल सकते हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो. अगर आपको प्रेजेस चाहिए तो आपको क्रिटिसिज्म भी आपको लेना पड़ेगा. चलो कंदील, तो लास्ट पे दोनों मिलके उन लोगों के लिए मैसेज देते हैं जो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं. चलो, जितने मर्जी गंदे कमेंट्स करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट उस चीज से ये जरूर जाहिर होता है कि आप लोग कितने गंदे, कितने घटिया, कितने सलील और कितनी गंदी सोच रखने वाले हो. थैंक यू एवरीवन.